आज सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। मैंने बार बार इतवार का प्रोग्राम था जो गुजर गया है, तो मैंने भाई शरीफ साहब से ये कहा था कि थोड़ा लंबा करें, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा जो है ना बार बार मुझे कहा, तो फिर हमने ये जो है ना आज का दिन तय किया। और सच्ची बात है, उस दिन ये नहीं पता था कि आज शुभ रात होगी। बहरहाल मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि क्या आप मेरे इस फैसले से जो आपने अखबारों की जिन्नत में दो माह की ये इनिंग खेली है, अगर मुतमईन है तो आप करें। बहुत मेहरबानी। इस काम पर मुझे अगर कोई जहरी तशद्दुद किया है तो सबसे पहले सेक्रेटरी महमूद अल हसन साहब आपने, और फिर मेरे भाई ये सीनियर कानूनदान है, इन्होंने मुझे, मैंने आखिरी मशवरा इनसे जाके किया, तो मैंने इनके जब मैं इनके पास गया तो इनके आंखें पेशानी पर थी कि ये फैसला करना हुआ तो हम ये करेंगे। उसके बाद मैं हल्के भर में 10 यूनियन को उसने मैं चीदा चीदा 80 साल से लेकर 18 साल तक नौजवान, मैंने उनसे मुशावरत की और एक ही आवाज थी। उसमें मैंने बड़ी कमजोर विकेट बैक चला गया कि मैंने कायदीन से यह गुजारिश की कि आपने पीडीएम लॉन्च किया है, ये उस वक्त होना चाहिए था कि जब ये नोटिफिकेशन हुआ कि यहां बलदियाती इलेक्शन होंगे तो हमें बुलाकर ये कहते तो हम कुछ सोचते कि यहां पीडीएम है। जब ये हमारे शेर पट्टी से गुजरकर पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करते हैं मुख्तलिफ जमातों से, तो वहां जब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मंत्री हुए, काउंसिलर मंत्री हुए, उसके बाद आपने कहा कि अब पीडीएम लॉन्च हो गई है। लेकिन उसमें मैंने डे वन से अपना मौका हथियार किया। मुझे पता था कि मेरे बंदे मुकाबल बाबर के पिंदरी में इतना मैं बोल रहा है कि उसको किसी और का बेटा नजर नहीं आता है। जो कुछ उसने यूनियन कौंसिल राजधानी में किया, जो कुछ उसने जनरल इलेक्शन में किया, जिमनी इलेक्शन में किया, तो मुझे ये सारी उसकी चालें पता थी। तो मैंने कहा कि मेहरबानी करें, बंदा चेंज करें, ये मैं इस पर भी मेरा दिल मतमईन नहीं था, लेकिन मेरा कसूर नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से है, ये सारा मकाफात अमल है। जब ये दिल की मौत आती है तो चौक साहिबा से शहर की तरफ रुख करता शहर की तरफ, और वहां पर जाकर जो कुछ उसका सामना करना पड़ा मेरा जिंदगी में, ये सबसे बड़ा जो है ना दर्दनाक, मैं समझता हूं कि अजियत हुई है उसको। और मैंने ये भी उसको पैगाम पहुंचाया है कि पता चला है कि तू लोगों के दिल दिखाता है, आज तुम्हारा भी दुख है, और कैसी चीज निकली है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है, जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है, उसका एक ही चीज बाकी रहने वाली है, वो है उसका करेक्टर, उसका किरदार, उसको लोग याद करते हैं। जब मोरख तारीख लिखेगा तो इंशाल्लाह मेरे इस हल्के के आवाम, और बिलखसूस मेरे ये जो 5 शेर हैं, सुनहरी दौर लिखा जाएगा इंशाल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा ईमान है। मैंने बार बार कहा लेकिन किसी को कान से जू ना रही। मुझे कवायद और जवाबत बताए गए, पार्टी डिसिप्लिन के वो पहाड़े पढ़ाए गए, तो मैंने कहा मैं अपनी आंखों से क्या क्या मैंने देखा है। मैं इस ग्राउंड में रहा हूं, दर्जनों के आसार से यहां पे इस हल्के में मर्डर हुए हैं, सैकड़ों के साथ से FIR हुई है और वो चलान है, और वो ज्यादा तारीखें भुगत रहे हैं, मुझ पर भी 4 FIR हैं। और अब मुझे ये कहते हो कि इस शख्स को वोट दो, ये कहां का इंसाफ है,
मैंने बार बार अपना केस अपना मौकफ जो है ना वो कायदीन के सामने रखा और मुझे यकीन दिलाया गया, मुझे यकीन दिलाया गया कि हम बंदा चेंज करेंगे। लेकिन आखिर 2 तारीख को वो जो मुझमें आजमाइश थी मेरे बताया गया, मेरे अल्लाह ताला को पता है, मेरे इस डिस्ट्रिक्ट कौंसिल स्टाफ को ताला पता है। मैंने कहा कोई हमारा कोई आदमी भी नहीं है सियासत में, सिर्फ एक अल्लाह ताला का है और एक नीचे ये मखलूक है। तो मैं वादा साहिबा की कब्र पर चला गया, वहां जाकर आंसू बहाए, गया अल्लाह ताला से दुआ की, गया मेरे मौला मुझसे वो फैसला करवा जो मेरी मखलूक के लिए बेहतर हो और मेरे लिए बेहतर हो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये कहां का इंसाफ है कि 35 साल की जंग और फिर ये क्या करें कि आप जाए, आपने मुझे जिमनी इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में मेरी जंग लड़ी और मैं जाकर किसी की झोली में बैठ जाऊं, मेरे शेर जाकर वहां उसके पास चले जाए तो फिर क्या मतलब चाहिए? ये पीडीएम नहीं कर सकता है यहां पर। मैंने बार बार गुजारिश की, अब जो आने वाला वक्त है मेरे भाइयों, ना मैं किसी से तनख्वाह लेता हूं, ना मेरी पेंशन होगी, मैं अपना करेक्टर किरदार बचाना चाहता हूं ताकि किसी भी टेबल पर आप बैठे हुए रसवा ना हूं कि राजा रियासत दिखने वाला है ना झुकने वाला है। इंशाल्लाह मैं ये जो लकीर खींचता हूं आपको पता है, मेरे अरीफ को पता है कि जो मैं लकीर खींचता हूं फिर उससे आगे जाने के लिए दिल गोरदा चाहिए, बड़े बड़े जोड़ पड़े हैं। अब मुझे इस आशा का लिया जाए, मैं भी चौक में रहता हूं, ईमान की 3 निशानियां हैं और सबसे कमजोर निशानी है कि पीठ फेर लेना और सबसे मजबूत निशानी है कि किसी बुराई को हाथ से खत्म करना, हाथ से मिटाना। अल्लाह ताला ने अभी 2-4 साल की ताकत दी हुई है। कोई कहता है शोकाज नोटिस, कोई कुछ, ये तो नोटिस मेरे मैं मुझे और मेरे शेरों को देना चाहिए कि हमने बार बार आपको कहा कि बंदा चेंज करो, उसने वादा भी किया कि ठीक है जी बंदा चेंज करूंगा, लेकिन आखिर तक नहीं चेंज हुआ तो फिर हमें आखिरी यह कदम उठाना पड़ा। मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हूं, मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूं, मियां नवाज शरीफ का सिपाही हूं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून कसल के सदर जनाब शाह गुलाम कादर मेरे कायद हैं। असूलों पर सियासत करूंगा, मैंने जो इलेक्शन लड़ने से लड़ लिए हैं, किसी को शौक है तो फिर वो आए और आकर इस मखलूक का बेड़ा उठाए और इसकी तर्जमानी करे। मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूं, आज मुझे केंद्र से लेकर शाम तक हर घर में आदमी जो है ना वो पकाता है कि राजा रियासत जिंदाबाद। मेरे लिए यही एहसास है, इकतदार आनी जानी चीज है। अहलिया ने नौर वालों में आज आपके तरफ आता हूं, मुझे ये बताओ कि ये नार पूरे हल्के का सबसे अहम तरीन जगह है और इसकी हसीयत को बसर करने के लिए बड़े बड़े हल्के किए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कली भी जो है ना मकाम दूंगा इस नार को। यहां ग्राउंड में खड़ा होकर यह कहा गया, सब गवाह हैं आप क्यों कमजोर ईमान की निशानी रखकर बैठे हुए हो, यहां ये कहा गया कि तहसील जो है ना ये नार को देंगे, क्या गवाह है या नहीं गवाह है? अगर गवाह है तो अल्लाह को हाजिर हाजिर का हाथ खड़े करो। तो फिर कहां तहसील की जहां पर एक नजर आदमी भी दिन को नहीं होते हैं? ये है किरदार, ये वादे हैं। तो जो वादा खिलाफी करता है मेरे भाई, आज भी नार से यह आवाज उठती है कि चौधरी यासीन को वोट दे। यहां की मेकर है कि वो क्या कहते हैं कि मेकर है, जब अल्लाह ताला ये आखिरी किताब में ये फरमाता है कि बात हो इज्जत मत दिशाओ बात जिलो मत दिशाओ, मैं जिसको इज्जत दूं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती,
और जिसको ना दूं दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तो मेरे भाई शरीफ के लिए क्या क्या हथकड़े किए गए, मैं सल्यूट पेश करता हूं इन कौंसलरों को और इस वाइस चेयरमैन को। इन्होंने मेरे साथ भी दिल की बातें की और ये ईमान की निशानी है कि कोई बात हो तो मुंह पे जा जाए हो गए, इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें सुनने की भी ताकत होनी चाहिए, सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। मैं आपकी तर्जमानी करता हूं, मेरे लिए दो जो मार्के हैं आपके, जनरल इलेक्शन और जिमनी इलेक्शन, बस उसके बाद आपका खादम आपके लिए हाजिर है। 5 साल जो कुछ मुझसे हो सका मैं आपकी तर्जमानी करूंगा, जो मेरे हिस्से में करूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राजा रियासत किसी के आगे ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है, ये आपको इत्मीनान होना चाहिए। यहां पे एक तरफ कहते हो मैं आपका अपना केस ऐसा देता 5 मिनट में पूरा प्लीर करता हूं आपके सामने, किसान की सीट चोरी में दी गई तो मैंने कहा मेरा मध्य मुकाबल में उसका मजाक और उसका दिल जानता हूं, ये पीडीएम की सीट है, मुझे मेरे हल्के में वो वोट नहीं देगा, मेरे कैंडिडेट को नहीं देगा वो वोट। तो सब जिम्मेदारान ने कहा, सवाल भी पैदा होता है जब उसके पास गए तो उसने कहा बिल्कुल दूंगा लेकिन हल्का बताओ कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि चिड़ोही में देंगे, तो कहता है मेरे बंदे वहां वोट नहीं देंगे। यहां भी बात नहीं रुकी, उसने कहा हल्का चेंज कर लो तो फिर खिरटे में दी गई। जब खिरटे में दी तो वहां जब इलेक्शन हुआ तो 3 लोगों पीपल्स पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिए, ये वायलेशन नहीं है, ये मुनाफत नहीं है। उसके बाद कोटली 16 यूनियन कौंसिल में अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, वो साजादा उसका हमारे टिकट होल्डर को जो बना हुआ था उसको जाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर जाकर वोट डलवाता है और अक्सरियत को अकलियत में बदलते हैं। क्या ये पीडीएम है? तिरनार में क्या हुआ, क्या कांग्रेस कौन सी चालें चली गई? ये मेरी एक बेटी मलक बरादरी से बजवाल से उसका मैंडेट चलाया गया, तो तुम ये भी मुझ पर खैर की तो रखते हो कि राजा रियासत वोट देगा मेरे बेटे को? ये सारी चीजें मेरे पास थी, सारी मुझे मेरे पास मवाद था। तो पहले वाले पजवाल वालों मर्द बरादरी से मैं गुजारिश करता हूं कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अल्लाह की मेहरबानी से अगर जिंदगी ने वफा की तो ये कर्ज मैं उतारूंगा अल्लाह की मेहरबानी से, ये मैं उतारूंगा अल्लाह की मेहरबानी से। मैं सियासी कारकुन हूं और ये देखो कि जो सियासी कारकुन मैंने पूरे हल्के से चुने हैं, आपको इसमें इत्मीनान होना चाहिए कि शेरों की तरह मेरे साथ खड़े रहे अल्लाह की मेहरबानी से। इनको मैं जिस तरह मेरे रियासत ने यहां पर तकलीफ की, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कि हमें इतनी इज्जत एमएलए नहीं, एमएलए नहीं मेरे प्यारे भाई, तुम कुछ भी करते इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी इज्जत तुमने, आपने यहां खड़े होकर एक जालिम का मुकाबला किया और उसको वहां पर शिकस्त के साथ। मैं ये बार बार कह रहा है हमारी आपस में झगड़े होते रहे, आज बात होती रही जिससे कौनसों के दरमियान के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं होगा वो ही लोग मजदूर खुदा होगा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी से जो आपकी आपके दिलों के आपके सरों के सौदे मैं इंशाल्लाह उधर जाकर किसी जाबर के सामने नहीं मैं करूंगा, मैं ग्राउंड में ग्राउंड का खिलाड़ी हूं, ग्राउंड में बात करूंगा, टेम्पो में बात करूंगा और असूली बात करूंगा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जनरल इलेक्शन से लेकर फाइनल मैच जीतता है वही जीतता है, फाइनल मैच हमारा कोटली में हुआ और कैसी शिकस्त की आप मुतमयन है, और आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपका यह नुमाइंदा किसी जगह पर खड़ा नहीं है। फिर मेरे एक ब्लेम मुझ पर लगाया गया, कहता है जी वो ये जट्टा ने बड़े खिलाफ है, ये जट्टा ने बड़े खिलाफ आ राजा रियासत पागल,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰਤ ਰਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲੀ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ तो मैंने जात बरादरी से चौधरी जुबैर को बताया कि ये ब्लैक लिस्ट पे खत्म हो जाए। इस तरह नहीं होता है, जिस तरह रेत की दीवारें जो बना के ऊपर लंटर डालता है। बात वो होती है जो दिल से की जाए। यहां फेस बुक पे जाना बहुत कुछ है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि ना मैं फेसबुक देखता हूं, ना मैं चलानी आती है, मुझे मैसेज करना भी नहीं आता। मैं अपने हल्का बार के भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि ये जंग छोड़ दो। अमली जंग लड़ेंगे, अमली जंग लड़ रहे हैं। ये अपने बिस्तरे में बैठकर एक दूसरे पे वार करना ये अच्छी बात नहीं है। हर दो तरफ से मैं ये बात करता हूं कि हमारी लड़ाई इधर नहीं है, हमारी लड़ाई कहीं और है। मैं फारूक हैदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे जो कायदीन हैं शाह गुलाम कादर साहब, राजा फारूक हैदर साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब, मुश्ताक मेराज साहब, बड़े जिम्मेदारान हैं। आए मुझे कोई नोटिस तो मैं उनके सामने बात करूंगा कि मैंने क्या कहा था और आपने क्या वादा किया था। मैंने कोई खिलाफवर्जी नहीं की है, इज्जत से जीऊंगा और इज्जत से मरूंगा। हमारा इस मुझे इस बात का इत्मीनान है कि यहां बरादरी इज्जत की लानत को 1990 से लेकर आज तक जो है ना परवान चलाया जा रहा है। हमारा एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और साबित कर रहा हूं अमल से कि जो बात मैं कहता हूं वो पूरी भी करता हूं या नहीं। तो मैं एक बार फिर चूंकि आज मुझे आपकी इस मसरूफियात का जो शाम के टाइम होती है उसका पूरा अंदाजा है, लेकिन ये मेरा लिए ये नार दजाला वालों का मशहूर है कि आज का दिन रखा है। तो मैंने किसी जगह कोई वायलेशन नहीं की है, असूल की बात की है और असूल की बात से राजे रियासतों को हटा नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें वही बात कहने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे दिल में हो, वही जबान पे लाए। यहां पे मुनाफकत का राज है, मुनाफकत का राज है। मैं जितने नौ मुंतखब काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और बिलखसूस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैं अपनी तरफ से और हल्का पार के गैरतमंद गरीब लोगों की तरफ से मुबारकबाद इस मीडिया के तवासुल से बचाता हूं। इंशाल्लाह हर आने वाला दिन आपकी इज्जत में इजाफा होगा। बाकी खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। सियाने लोग आने पेड़ पीड़ो के पेड़ ना पीड़ो मुझ पर यह कह के ये वायलेशन, ये बागी है, मैं बागी नहीं हूं। और अगर मुझे मजबूर किया गया तो जब मैं बागी बना तो बताऊंगा कि बागी क्या होता है। मैं आप बड़े की इज्जत करना, छोटों का शफकत करना, मुझे आपने बड़ों ने यही सिखाया और उस पर अमल करूंगा। मैं ट्रॉई से लेकर राजधानी तक जितने मेरे यहां ट्रॉई के भी बैठे हैं मेरे भाई, जितने मेरे साथ मामला आया है, जितने यहां इस मिसाल में बैठे हुए हैं, मैं आपका बेहद मशहूर हूं कि बड़ी अच्छे अंदाज में मेरे लोग, मेरे कारकुनों को, मेरे शेरों को आपने सुना। तो आज अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बहुत मेहरबान।